हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मजर बुटीक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बताएंगे फैब्रिक बटन को कैसे बनाते हैं बगैर मशीन का। फैब्रिक बटन को हम दो तरह से बनाएंगे, एक सिंपल होगा और दूसरा जो होगा वो मल्टी होगा। सलवार और समीज दोनों का कपड़ा का कंट्रास्ट बनेगा। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मशीन पे चलते हैं। तो फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने कपड़ा ले लिया है, ये समीज का और सलवार का है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों जो है फ्रेंड वो 1.5 इंची है। चौड़ाई भी 1.5 इंची है और लंबाई भी 1.5 इंची है। तो हम इसको बटन बनाएंगे जो कि कंट्रास्ट होगा, फैब्रिक बटन बनाएंगे। तो सबसे पहले बटन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक पल्ला को इसको लेंगे और एक पल्ला इसको लेंगे। इस तरह से हम दोनों को मिला देंगे और मिलाकर एक हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने सिलाई लगा लिया है, इसी तरह से इसको भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने दोनों पल्ला को सी लिया है सिलाई लगाकर। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारा जो ये सिलाई का जोड़ है इसको इस तरह से हम खोल देंगे और खोल कर इस पर हम नाखून लगा लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाए। इसी तरह से इसको भी हम खोल लेंगे और खोल कर इस तरह से ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद इसके ऊपर हम नाखून लगा लेंगे अच्छे से कि ये बैठ सके। इसके बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे, और इस तरह से पकड़ने के बाद बिल्कुल एकदम दोनों जोड़ को एक साथ में रखेंगे, और इसके बाद फिर मुझे एक सिलाई लगाकर जोड़ लेनी है। तो हमने सिलाई लगा लिया है, सिलाई लगाने के बाद इस तरह से ओपन करेंगे और फिर इसको भी इस तरह से हम खोल देंगे और इस पर अच्छे तरीके से नाखून लगा लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ सके। उसके बाद हमने बटन ले लिया है, जो कि एक्स्ट्रा बटन हमारे पास बेकार है ऐसे ही, तो कोई सा भी आप बटन ले लेंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से रखेंगे सेंटर में, बिल्कुल दम इस तरह से, आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल सेंटर में। इसके बाद फ्रेंड आप इस तरह से इसको पकड़ेंगे एकदम अच्छे तरीके से, इस तरह से आप पकड़ लेंगे। इस तरह से आप पकड़ेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरह से। और इस तरह से पकड़ने के बाद हमने एक धागा ले लेंगे और धागा से इसको अच्छे तरीके से हम लपेटेंगे बिल्कुल मजबूती से, इस तरह से आप लपेट कर यहाँ पे आप गांठ बांध लेंगे ताकि ये खुल ना सके। गांठ बांधने के बाद फ्रेंड आप बिल्कुल सटाकर यहां से काट देंगे, इस तरह से बिल्कुल आप काट देंगे। ज्यादा मार्जिंग नहीं छोड़नी है क्योंकि मुझे काटने में दिक्कत ना करे। और आप देख सकते हैं हमारा मल्टी बटन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बनकर। तो अब हम सिंपल बटन को बनाते हैं। तो सिंपल बटन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है फ्रेंड, हमने एक कपड़ा ले लिया है और ये हमारे पास बटन है जो कि बेकार बटन है। तो इस तरह से हम बटन को रखेंगे कपड़े के ऊपर इस तरह से, इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान से इस तरह से आप पकड़ेंगे बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस तरह से आप पकड़ लेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और इसके बाद फ्रेंड एक धागा ले लेना है बिल्कुल मैचिंग, उसके बाद धागा लेने के बाद फ्रेंड बिल्कुल अच्छे तरीके से मजबूती से इस तरह से हम लपेट देंगे। काट बनने के बाद फ्रेंड इसको हम काट लेंगे बिल्कुल जड़ में एकदम सटाकर हम काट लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड मेरा बटन बिल्कुल बनकर कंप्लीट हो चुका है। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर।